हाथ में दूध की बाल्टियां और सिर पर दूध के बर्तन लिए बीजेपी विधायक हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान से आई आवाज। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक ग्वाले बनकर तपोवन धर्मशाला पहुंचे। बीजेपी विधायक सुक्खू सरकार को उनकी तीसरी गारंटी के बारे में याद दिलाने के लिए यह अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त ही गारंटी दी थी कि वो किसानों से गाय का दूध 80 रुपए लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर की कीमत पर खरीदेंगे। एक साल बीत गया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज विधानसभा का ये तीसरा दिन है और हम आज गारंटी नंबर 3 पर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले जो कांग्रेस की पार्टी की ओर से 3 गारंटियां इनके नेताओं ने घोषित की थी, 10 गारंटियां घोषित की थी, तो उसमें एक गारंटी ये भी थी कि हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध 80 रुपये और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से। हालांकि उन्होंने किलो, मुख्यमंत्री जी ने कहा किलो, जबकि दूध जो है वो लीटर के हिसाब से होता है, इसलिए हमने इस पे किलो ही लिखा क्योंकि मुख्यमंत्री जी की बात से हम दाएं बाएं नहीं जाना चाह रहे थे। गारंटी है क्योंकि गारंटी उन्होंने दी है। अब आज हम इस बात को पूछने के लिए विधानसभा के यहाँ इस प्रांगण में हैं आप सबके समक्ष कि क्या हुआ किसानों के साथ उस वादे का, जहां कहा था कि हर परिवार से 10 लीटर दूध खरीदेंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान हर रोज विपक्ष सुक्खू सरकार को उनकी गारंटियों की याद दिला रहा है। पहले दिन बीजेपी विधायक जहां सुक्खू सरकार की गारंटियों का चोला पहने नजर आए, तो दूसरे दिन हाथ में गोबर की टोकरियों के साथ जमकर प्रदर्शन हुआ। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी 10 गारंटियां दी थी, जिस पर बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि सुक्खू सरकार अपनी गारंटियां पूरी करने में नाकाम रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन सुक्खू सरकार की 10 गारंटियों पर बीजेपी का वार उन्हें कितना फायदा दिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आज तक। बीजेपी चुनाव मध्य प्रदेश से आई आवाज। बीजेपी।